शामिल हो रहा हूं जिसकी दाग बेल मेरे बड़े भाई मरहूम मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब और मरहूम ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब और मरहूम शमीम अहमद शमीम साहब ने डाली थी। ये नई बात नहीं है, मैं तो पहले ही से इस जमात के साथ वाबस्ता था। आज तकाजा ये था कि मैं ऐलान करूं कि मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस में बाकायदा शामिल हो रहा हूं। न रीजनल पार्टी के साथ न नेशनल पार्टी के साथ, वी विल फाइट ऑन ऑल 87 सीट्स। जस्ट वेट फॉर द कमिंग स्पेस, कमिंग टाइम में आके आप देख लें। काफ़ी लोग इस कारवान में शामिल हो रहे हैं, नए लोग भी जो न्यू टू पॉलिटिक्स हैं और पुराने भी जिनके पास एक्सपीरियंस है। द ब्लेंड ऑफ द टू, whether it is Peer Panchal, whether it is South Kashmir, North Kashmir, Central Kashmir, Ladakh ho, Kargil ho, aap jaldi dekhenge, our candidates inshallah will be on all 87 seats. Hum bilkul support karenge kisi bhi resolution ko, but ek condition hai, sabse pehle, there should be a white paper on three things. Number one, ki erosions kisne ki, kis party ka kya role tha. Number two, 1987, 1996 और 2002 के इलेक्शन, इन पर वाइट पेपर। 1987 इलेक्शन के बाद अगर मिलिटेंसी आई, अगर 1984 में साजन कुमार एक मॉब को लीड कर रहे थे और कल उनको उम्र कैद लगी, यहां क्यों नहीं किसी को उम्र कैद लगी? इधर भी तो आज तक 1,00,000 लोग गया, क्या कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है? 87 का क्लोजर कभी नहीं होगा। और तीसरा हमारा है एंटी करप्शन, कि सबका, हमारा भी देखे, इनका भी देखे, सब पॉलिटिशियंस का देखे कि उनका मींस ऑफ इनकम क्या था पिछले 20 साल 30 साल और 40 साल से, और आज उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इन तीन चीजों पर। बट व्हेन इट कम्स टू ऑटोनॉमी, वी 100% विल सपोर्ट। रेजोल्यूशन क्यों, बिल ही पास कर दे, व्हाट इज रेजोल्यूशन? बट ऑन वन कंडीशन, लेट अस सी हु इरोडेड इट फर्स्ट, सो दैट वी कीप द इरोडर्स अवे। ऐसा ना हो कि जिनने इरोड की हो वही आज ऑटोनॉमी का नारा दे रहे हो। भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन होता है, दे शुड लुक एट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ये मैंने ही बोला जो बाद में दिल से आवाज आई कि अगर 3 मिलिटेंट मारने के लिए 7 सिविलियन मारने पड़ते हैं तो देन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। या अगर 14 साल का बच्चा जो कि माइनर है, और हमारे ICPS रूल्स के तहत अगर माइनर है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज होल्डिंग इन हिज हैंड, सो इफ यू नो देयर इज अ माइनर यू कॉल ऑफ द ऑपरेशन। ऐसी क्या कि नहीं आज ही अभी इसी वक्त करना, उसमें तो बिल्कुल आवर स्टैंड इज क्लियर ऑन दैट, उसमें तो कोई